खेड़ाना डाकोर में पवित्र गोमती तड़ाव में गैरकायदेसर बोटिंग धमधमी रही है। 11 मासों करार पूर्ण थयो छतां पण नौका विहार बोटिंग धारक मनमानी करी रहा है। अनेक वक्त लाइसेंस वीमो न होवानी फरियाद करवामां आवी छे पण परिणामना नामे शून्य जोवा मळी रह्यु छे। आ मामले डाकोर नगरपालिकाए नौका विहार बंद पण करावी अने थोड़ा समय बाद फरी शुरू करी देवामां आव्यु छे। बोटिंग नी केपेसिटीथी वधारे मुसाफरोने बेसाड़ी अने बोटिंग करावी रही गैरकायदेसर धंधो करी रहा छे। नगरपालिका सामे केम बोटिंग जप्त करवामां नथी आवती? शुं नगरपालिका मोरबी जेवी मोटी हुनारत सर्जाय तेरी राह जोई रह्यु होवाना अनेक सवालो उभा थया छे। हाँ, एने ए प्रमाणे जाण करेली हती एजेंसी ने। अत्यारे एजेंसी कोई बोटिंग चलावती नथी अने लेखितमां अत्यारे आपेलुं छे के अमे कोई चलावशुं नहीं अने एने साइडमां नागरी अने बांधी दीधेली छे। आजनी तारीखना सवारना रिपोर्ट जाणकारी मुजब सेनेटरी इन्स्पेक्टरे जईने आव्या मुजब हवे आजे एने अमे ए लई लेवानुं के जो आपने ध्याने आव्यु होय तो अमे एने लई लेवानुं जणाई देशुं आजे त्यांथी स्थळ ઉપરથી ઉપાડી લેવાનું। ખાસ કરીને વાત કરીએ ડાકોર નગરપાલિકાની તો અત્યારે વિવાદોના વંટોળમાં છે। डाकोर खाते जे गोमती तलाव में जे जय माताजी नौका विहार छे ते गैरकायदेसर नौका विहार चलावी रही छे। तेने थोड़ा समय पहला पोलिस प्रोटेक्शन साथे बंद करवामां आव्युं हतुं परंतु हाल फरी चालू थई गई छे। शुं आ मोरबी नी जे घटना बनेली छे 190 जे व्यक्तिओना भोग लेवाया छे तेम आ भोग लेशे के शुं? कारण के आ जे जय माताजी बोटिंग वाला छे तेमनी पासे कोई लाइसेंस तेमज वीमो नथी। 11 मासनो करार पूर्ण थई गयो होवा छतां हाईकोर्ट में अमारी पेन्डिंग छे मेटर तेमज गमे ते बहाना काढ़ी अने अत्यारे ए लोको बोटिंग चलावी रह्या छे। क्यांक ने क्यांक राजकीय मोटा माथानी वग होवानुं देखाई रही छे। हुं तमने बतावा प्रयत्न करीश के हाल में डाकोर नगरपालिकाना चीफ ऑफिसरनुं पण इंटरव्यू लेवामां आव्यु हतुं। तेमने जणाववामां आव्यु हतुं કે તમે આ જે બોટિંગ છે તેની જપ્તી કેમ કરવામાં આવી નથી અને શું કારણ છે આ બોટિંગની જપ્તી કરી અને તેને સીલ મારવામાં આવે અને તેને પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે એને નોટિસ ફટકારી અને તેની ઉપર એક્શન લેવામાં આવે તો આ જે અત્યારે મોરબીની ઘટના થતી અટકે તેમ છે? જો આ જાનહાનિ થશે અહીં જે ઓવરલોડિંગ બોટિંગ કરે છે જેની કેપેસિટી 20 જ માત્ર પેસેન્જરની છે તેને બદલે 40-40, 50-50 મુસાફરોને ઓવરબોટિંગ કરાવે છે તો અહીં પણ મોરબી જેવી ઘટના બનશે તો તેનો જવાબદાર કોણ? ચીફ ઓફિસર કે જે આ ગેરકાયદેસર નૌકા વિહાર ચલાવતા બોટિંગવાળા? આમ તંત્ર ક્યારે જાગશે અને તેની ઉપર એક્શન લેવાશે એ તો હવે જોવું જ રહ્યું। શીતલ ભટ્ટ, GSTV, ખેડા બ્યુરો, ડાકોર।